नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहली पारी में केवल 227 रन बनाकर ढेर हो गए थे। आज दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है और पहले ही सत्र में भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज टीम के 38 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके हैं। उसके बाद लंच से थोड़ी देर पहले 72 के स्कोर पर पुजारा भी 24 रन बनाकर आउट हो गए हैं। लेकिन उससे पहले पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में एक खास उपलब्धि हासिल की है, जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पिछले मैच की पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में 102 रन बनाने वाले पुजारा के पास आज दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ने का मौका था और पुजारा ने वो कर भी दिखाया। पुजारा ने ब्रैडमैन को टेस्ट रनों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस मैच से पहले पुजारा के टेस्ट क्रिकेट में 6984 रन थे और उन्हें ब्रैडमैन को पीछे छोड़ने के लिए 12 रन की जरूरत थी। पुजारा ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए अच्छी शुरुआत की और 15 गेंदों पर 13 रन बनाते ही पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में ब्रैडमैन को रनों के मामले में पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें कि डॉन ब्रैडमैन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 99.94 की औसत से 52 टेस्ट मैचों में 6996 रन है। इसके बाद शाकिब की गेंद पर फाइन लेग पर शॉट मारकर पुजारा ने 3 रन लिए और इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 7000 रन भी पूरे किए। पुजारा टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन पूरे करने वाले भारत के 8वें बल्लेबाज हैं। इसके बाद मैच में अच्छे दिख रहे पुजारा 24 रन के निजी स्कोर पर तैजुल इस्लाम की गेंद पर शॉर्ट लेग पर खड़े मोमिनुल हक को कैच दे बैठे। अब पुजारा के टेस्ट क्रिकेट में 98 मैचों में 44.64 की औसत से 7008 रन हो गए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 200 मैचों में 15921 रन बनाए हैं। अगर मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने लंच ब्रेक तक 3 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं और क्रीज पर विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।